पटियाला चंडीगढ़ नैशनल हाईवे करीब 3 घंटे जाम करके बड़ी गिनती च इकट्ठे हुए किसानों वालों प्रदर्शन किया गया। तस्वीर च देखा जा सकता है कि बड़ी गिनती च किसानों वालों प्रदर्शन किया जा रहा है, जाम लग्या होया भी नज़र आ रहा है। इस मौके किसानों वालों मंडिया में झोने की खरीद ना होने करके पंजाब और केंद्र सरकार खिलाफ प्रदर्शन करके जम के नारेबाजी भी की गई है। किसानों ने मांग की कि जो फसल मंडियों में पई है उसकी खरीद की जाए तो पंजाब डीएपी खाद और स्प्रेहां की काला बाजारी रोकिया जाए। इस मौके किसान बीबिया ने कहा कि पंजाब के नवे बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कारपोरेट घराणिया के नाल मिलकर पंजाब नूं केंद्र के हाथों च करना चाहते हैं, पर पंजाब के लोग अजिहा कदे भी नहीं होने देंगे। असी जाम किया जी, असं इन्हों पिट स्यापा पहला जो गड़ेवारी हुई सी, साडिया फसलां कच्चियां सी, असी पहला इन्हां दा बिजली बोर्ड जाके पिट स्यापा करिया भी सानू 6 घंटे 7 घंटे लाइट दो, साडी लाइट कट्टती इन्हां ने। जे हुण जाज साडी फसल पक्की आ, जिहड़ी गड़ेमारी च आ गई सी ओह हौली हौली ओह पक्कदी, गिल्ला सुक्का उहदा तां ही मशीन चलदी उत्थे, पर इन्हां ने कंजरां ने साडी फेर उही कम्म करता कि साडी बोली करनी बंद करती, चक्कणी बंद करती। जीरी मंडियां च रुल रही आ, जीरी मंडियां च पई आ जी तुहाडी फसल, साडी हद तों ज़्यादा पई आ जी हले, पर मैनूं ऐं दस्सो वी फसल किधर दे हत्थ च हुंदा जदों गड़ेवारी हुंदी आ, रब दा कि पता घड़ी च आ जावे, असीं कित्थे जावांगे जी फिर। ते हुण इह जाम लग्गिया रहूगा? हांजी हांजी, जोगल सानूं कोई आण के ऐ नहीं कहिंदा वी कोई तुहानूं 2 दिन तां सानूं 4 दिन कहूगा, कोई पूरा समझौता करूगा साडे नाल आ के असीं तां हटावांगे, नहीं इस तरह नहीं हटाउंदे। असीं उहनां नूं ऐं ना वी जिहड़ी साडी मोर्चे दी कॉल है वी उत्थे ना किते उह बरूहां ते जाण इह किसान, इहनां नूं रोकिया जावे, पर असीं उत्थे वी जावांगे, इहनां दा पिट स्यापा उरे वी करांगे। हरप्रीत सिंह, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा। क्यों धरना लाया, जाम क्यों लाया जी? अज का जिहड़ा रोड जाम का असी कल जिहड़ा सुनेहा लाया सीगा मार्केट कमेटी के अफसरां नूं भी ते जिहड़ा इंस्पैक्टरां नूं भी जिहड़ी साडी मंडी दे विच लगभग 8 तों 10 हज़ार बोरी जिहड़ी रह गई आ सरकारी खरीद तों, क्योंकि बारिश जिहड़ी पिछले महीने दिनां दे विच पई आ ते साडे इत्थे रेलवे कारण जिहड़ा 28-30 किले रकबा जिहड़ा झोने का डुब गया सीगा अगस्त महीने दे विच लग्गिया, उस करके उह झोना जिहड़ा लेट हो गया। असी चन्नी सरकार नूं दसना चाहुंदे आ वी जिहड़ी इह साडी मंडी दे विच रहिंदी फसल आ जां खेतां दे विच मीह करके लेट होई फसल आ, इहदियां गरदौरियां करा के इहनूं पूरे सरकारी रेट ते चक्किया जावे, नहीं अज जिवें इह धरना इत्थे लग्गिया कल तों पूरे पंजाब दे विच वड्डे पद्धर ते होणगे, डीसी दफ्तरां दे घरों वी होणगे, क्योंकि सरकारां ने जिहड़ा लुट जिहड़ी केंद्र सरकार दे नाल रल के पंजाब दे विच वी यूपी वाले हालात पैदा करने की कोशिश कीती आ। असीं अपना झोना सरकारी रेट ते जिहड़ा 1960 रुपये का रेट आ उही रेट ते बकाउणा, जे जिहड़ी प्राइवेट अदारे 1200 नूं जां 1000 नूं चक्कणा चाहुंदे फिरदे आ, असीं किसे नूं दाणा नहीं चक्कण देणा, असीं इक इक दाणे की जिहड़ी सरकारी खरीद करवाउणी आ, उस अहे सानूं वड्डे पद्धर ते संघर्ष लड़ के करवाउणी पवे ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅੱਧੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲਈ 60,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।